तो जैसा कि अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, तेन्यू ने इस किलर को मिस पिंग के पास ले जाने के लिए चिंगफेंग को बोल दिया था, जिसे सुनने के बाद चिंगफेंग भी इस किलर को लेकर मिस पिंग के पास चली जाती है। इसके बाद तेन्यू एक सिटी में चला जाता है जहां पर डो डिसाइपर उसका रास्ता रोक लेते हैं और इन लोगों के साथ तेन्यू की फाइट हो जाती है, जहाँ पर तेन्यू एक डिसाइपर को बहुत ही बेरहमी के साथ मार डालता है, जिसे देखकर लू फेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने ब्रदर लू लेई को इस जगह पर बुला लेता है। और इन सब चीजों को दूर से ये टकला एल्डर और उसका साथी देख रहा होता है और ये आदमी बोलता है, ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, अगर तेन्यू इन लोगों के हाथों से मारा जाता है तो हम लोगों को अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि लू लेई के ऊपर अटैक कर देता है, उसे भी बहुत ही बेरहमी के साथ में मारने लगता है, जिसे देखकर लू लेई को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि तेन्यू ने अपने लेवल को सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 स्टेज पर कर रखा था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लू लेई को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद तेन्यू बोलता है, मुझे फेंग लेई से कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम इस जगह पर मेरे हाथों से मरने के लिए क्यों आए थे, इसलिए मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को सुनकर लू लेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने अपने एक वेपन को समन कर लिया होता है और उससे बहुत सारे अटैक तेन्यू के ऊपर कर देता है। लेकिन तेन्यू अपनी स्पीड की वजह से इन सभी अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखने के बाद यह लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, तेन्यू की स्पीड कितनी ज्यादा है। तभी तेन्यू को हम लोगों को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि इस धूल की तरफ देख रहा होता है, जहां पर लू लेई होता है और उसने यहां पर और एक अटैक से तेन्यू के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन तेन्यू इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बोलता है, तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है। और ये बोलने के बाद लू लेई की स्वॉर्ड को लू लेई के ही सीने के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो अभी मरा नहीं होता है। इस चीज को देखकर तेन्यू और एक अटैक लू लेई के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो फाइनली अब मर जाता है। और साथ ही इस जगह पर बारिश भी होने लगती है और इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तेन्यू सोल रिफाइनिंग लेवल पे 5 स्टेज पर है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इस पर ये दूसरा आदमी बोलता है, सच में तेन्यू बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को तेन्यू और लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फेंग तेन्यू को बोल रहा होता है कि तुम सेक्ट के रूल को ब्रेक नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है सब चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इस पर तेन्यू बोलता है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, और ये बोलकर इस स्वॉर्ड को इसके आर पार कर देता है, जिसकी वजह से लू फेंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर तेन्यू बोलता है, हम लोग बाद में दोबारा से मिलेंगे, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ता हूँ, क्योंकि इस जगह पर मुझे और भी ज्यादा काम है और साथ ही मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हें इसका अंजाम पता है। इस चीज को दूर से यह लड़की भी देख रही होती है और वो थोड़ी सी शॉक होते हुए बोलती है, तेन्यू सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही उसकी पावर लू लेई से भी बहुत ही ज्यादा है। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी तेन्यू के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसे तेन्यू ने टाइम रहते ही डॉज कर लिया होता है और वो इस आदमी को ललकारते हुए बोलता है, तुम कौन हो जो कि छुपकर मेरे ऊपर हमला कर रहे हो, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे सामने आकर फाइट क्यों नहीं करते हो। इस बात को सुनकर ये लड़की बताने लगती है कि ये किंग मेई होंग है, जो कि एक सोल रिफाइनर है और साथ ही वो जियानमैन एकेडमी के 100 स्टूडेंट में से एक है और इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। तभी मिस किंग अपने साथी को देखते हुए तेन्यू को बोलती है, तुमने यहाँ पर मेरे साथी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। इस पर तेन्यू बोलता है, पहले तुम्हारे साथी ने ही मेरे ऊपर अटैक किया था, तब जाकर मैंने उसे मारा है, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे दोष नहीं दे सकती हो। इस पर ये दूसरी लड़की तेन्यू का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम्हारा लेवल तो सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 स्टेज पर है, तो तुम यहाँ पर हम लोगों के साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है, क्योंकि हम लोगों के सीनियर सिस्टर किंग के सामने तुम एक कीड़े की तरह हो जिसे मिस किंग जब चाहे कुचल सकती है। इस पर तेन्यू इस पैलेस की ओर देखते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी इस जगह पर छुपकर मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक मौका देना चाहता हूँ ताकि तुम लोग मुझे जान से मार सको, इसलिए मैं फेंग चेंग एकेडमी के इसलिए मैं तुम लोगों के साथ लाइफ एंड डेथ अरीना में एक डेड बैटल लड़ूंगा, इसलिए जो कोई भी मुझे जान से मारना चाहता है वो इस अरीना में आ सकता है, मैं एक ही बार में इन लोगों को जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर मिस किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू को बोलती है, मैं तुम्हें इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मारूंगी जिसकी वजह से तुम्हारी सोल भी कांप जाएगी। इस पर तेन्यू इसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर सिर्फ बोल ही सकती हो, अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करना है तो मैं अरीना में तुम्हारा इंतजार करूंगा, और वो ये बोलकर इस जगह से चला जाता है। इस बात को सुनने के बाद मिस किंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तेन्यू के पीछे चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी को बोल रही थी, तेन्यू यहाँ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था, क्योंकि इसका लेवल तो सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 स्टेज पर है, फिर भी उसने यहाँ पर अपने दुश्मनों को खुली चुनौती दी कि मैं तुम लोगों के साथ लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इस पर ये लड़का
बोलता है। हम लोगों को इस चीज़ के बारे में तभी पता चलेगा जब हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि तेन्यू कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम लोगों को इस फाइट को देखने के लिए जाना चाहिए। और वो ये बोलने के बाद में अपने साथी को लेकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस टकले एल्डर और इस आदमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये टकला एल्डर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है तेन्यू कितना बड़ा बेवकूफ है। तभी यह आदमी बोलता है अब मैं तेन्यू को जान से मार सकता हूँ क्योंकि उसने अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, और अगर मैंने तेन्यू को जान से मार दिया तो इसकी वजह से मेरे ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। इस पर ये टकला एल्डर भी इस आदमी का साथ देते हुए बोलता है मास्टर आप यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए के उस जगह पर जाना चाहिए, और वो ये बोलकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को फाइटिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेन्यू अपने सभी दुश्मनों को खुली चुनौती देते हुए बोलता है जो कोई भी मेरे साथ फाइट करना चाहता है वो इस एरिना में आ सकता है। इस पर मिस्किन बोलती है मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ, और वो ये बोलकर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर और एक वॉरियर आ जाता है और वो बोलता है मिस्किन मैं भी आपके टीम में शामिल होना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर और दो डिसाइपल आ जाते हैं और वो लोग भी मिस्किन के टीम में शामिल होना चाहते थे ताकि वो लोग तेन्यू को जान से यहाँ पर मार सके। और ऐसे ही कर यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल आ जाते हैं जो कि तेन्यू को मारना चाहते थे। इस चीज को देखकर मिस्किन भी थोड़ी सी शॉक होती है कि तेन्यू के इतने सारे दुश्मन हैं, और साथ ही जितने भी लोग इस फाइट को देखने के लिए आए थे वो लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस जगह पर बीस्ट क्लैन का यंग मास्टर जिसका नाम लुओ युआन होता है वो भी तेन्यू के साथ फाइट करने के लिए आ गया होता है। और साथ ही होली स्पिरिट सेक्ट का भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल जिसका नाम लिंग बिंग होता है वो भी तेन्यू के साथ फाइट करने के लिए आ गया होता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे। और साथ ही डेनिस लॉ डिपार्टमेंट हॉल के दो एल्डर भी इस जगह पर आ गए होते हैं, इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा शॉक हो रहे थे। और ये डिसाइपल अपने साथियों को बोलने लगता है कि तेन्यू को इस बार यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है क्योंकि वो अकेले इतने सारे डिसाइपल का सामना नहीं कर सकता है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ये डिसाइपल यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे होते हैं इन सब बातों को तेन्यू भी सुन रहा होता है और वो बिल्कुल यहाँ पर शांत रहता है। लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलता है वो इन सभी लोगों को पूछ लेता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या अकेले मेरे साथ फाइट करने वाले हो। इस बात को सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि तेन्यू को वो लोग बहुत ही आसानी के साथ मार डालेंगे। तभी यहाँ पर फायर रिफाइंग सूत्रा के और कुछ डिसाइपल आ जाते हैं जो कि तेन्यू को बोलते हैं हम लोग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इस चीज को देख कर ये डिसाइपल लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो आदमी इन लोगों के सामने खड़ा होता है वो यांग कांग होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इमॉर्टल सेक्ट के 7 मेरिडियन के जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी लोग इससे डरते हैं। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी फायर डिफाइंग सूत्रा का एक डिसाइपल तेन्यू को बोलता है तुमने आज से एक साल पहले जब अपने सेक्ट के लिए कुछ डिसाइपल को भर्ती किया था तब तुमने मेरे मास्टर को जान से मार दिया था, इसलिए आज मैं अपने मास्टर की मौत का बदला तुमसे लेने वाला हूँ, क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो। इस पर तेन्यू इस डिसाइपल के बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो बोलता है तुम में से कौन यहाँ पर जुओ युआन है। इस बात को सुनने के बाद जुओ युआन तेन्यू को बोलता है तुम मुझे देख ही सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ ही देर में जान से मारने वाला हूँ, इसलिए तुम मरने के बाद भी मुझे नहीं भूल पाओगे। इस पर तेन्यू बोलता है तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, और साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग मुझे मारने के लिए आए हैं मैं उन सभी लोगों को जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर लिंगबिंग बोलता है तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, तुम यहाँ पर देख ही सकते हो कि हम लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हम सभी लोगों को मार डालोगे। और वो ये बोलने के बाद में अपने वेपन को अपेयर कर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग भी तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर जितने भी डिसाइपल फाइट को देखने के लिए आए होते हैं वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि तेन्यू को अब यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी तेन्यू बोलता है आज मैं अपने सभी दुश्मनों को मार डालूंगा, और वो यह बोलने के बाद में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर जितने भी लोग अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं वो लोग कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जियो युआन होश में आता है वो बोलता है यह तो एक मामूली सा अटैक था, और वो ये बोलकर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तेन्यू ने इन लोगों के अटैक को डॉज कर लिया था, और साथ ही तेन्यू ने यहाँ पर अपने होली स्वॉर्ड को भी समन कर लिया होता है। इस चीज को देखकर ये टकला एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी तेन्यू इन लोगों को बोलता है तुम में से कौन यहाँ पर पहले मरने चाहता है वो मेरे से फाइट करने के लिए आ सकता है। इस बात को सुनने के बाद फायर रिफाइनिंग सूत्रा के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो लोग एक एक कर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर तेन्यू बोलता है तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है तो मैं तुम लोगों की इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूं। और वो ये बोलने के बाद में फायर रिफाइनिंग सूत्रा के एक डिसाइपल को जान से मार देता है, जिसे देखकर मिस्किन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तेन्यू एक एक कर सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करने लगता है, जिसे देखने के बाद में ग्राउंड में चारों तरफ खलबली मच जाती है। लेकिन तेन्यू को जैसे ही मौका मिलता है वो एक एक कर डिसाइपल को मारना भी शुरू कर देता
लेता है, जिसे देखने के बाद तेन्यू के साथ जितने भी लोग फाइट करने के लिए आए थे वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और लुओ युआन तेन्यू की पावर को देखकर बोलता है, तेन्यू ने अकेले ही इतने सारे लोगों को जान से मार दिया है, आखिरकार इसका लेवल क्या है। और वो ये बोलकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी तेन्यू बोलता है, तुम में से मैं किसी को जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं। तेन्यू के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।